Hello everyone, this is Akanksha Rawat back with a new video on the topic discipline, and the subject that we are going to study is human resource management. So let's have a brief introduction first. So discipline hota kya hai? Discipline means ki aapke jo bhi organization ke members hai, jo bhi employees hai, wo aapke business ko systematic way mein conduct karte hai, theek hai? And unko jo bhi essential rules and regulations hai, unki information rehti hai. तो डिसिप्लिन में आप क्या करते हैं कि आपका जो बिज़नेस है उसको आप एथिकली सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड वे में जो भी डू एंड डोंट्स हैं, ठीक है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सब की इंफॉर्मेशन के साथ आप अपने बिजनेस को कंडक्ट करते हैं, कैरी ऑन करते हैं. तो वो एम्प्लॉयज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन मेम्बर्स जो कि आपके साथ काम कर रहे हैं एज अ टीम, वो ट्राई करते हैं कि कंपनी के मिशन को, विजन को एंड जो भी गोल्स हैं उनको वो समझ सके एंड कलेक्टिवली एम कर सके, ठीक है, उनको अचीव करने के लिए. एंड जो अपने इंडिविजुअल के एम्स एंड डिज़ायर्स हैं या फिर ग्रुप के एम्स और डिज़ायर्स हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैच कर सके, तभी आप ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस दिलाने में कामयाब सक्सेसफुल हो पाएंगे, ठीक है. इसके बाद एक सेंटेंस है कि एक डिसिप्लिन एम्प्लॉयज हमेशा ऑर्गेनाइज रहता है एंड एक ऑर्गेनाइज एम्प्लॉय हमेशा डिसिप्लिन रहता है, ठीक है. तो इसका मीनिंग है कि एम्प्लॉय का बिहेवियर उसके जो ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन है उसका बेस तैयार करता है. तो आपका बिहेवियर ही ये बताता है कि आप कितने डिसिप्लिन हैं, ठीक है. नेक्स्ट कम्स कि डिसिप्लिन इम्प्लाई करता है कि आपका कोड ऑफ कंडक्ट क्या है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए. आप खुद को कैसे कंडक्ट करते हैं, क्या अपने आप को कैसे कैरी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, अपने रिलेशनशिप्स को, अपने जो भी पीयर्स हैं, कोवर्कर्स हैं, आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको कैसे आप कैरी करते हैं, उनके सामने आप कैसे खुद को कैरी करते हैं, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इसके अलावा डिसिप्लिन इंश्योर करता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी है एंड एफिशिएंसी है वो मेंटेन रहे, आपके जो भी रिलेशंस हैं आपके एम्प्लॉयज़ के साथ वो हार्मोनियस हों एंड कोऑपरेशन आपका मेंटेन रह सके, ठीक है, जो कि आपको आपके एम्प्लॉयज़ के मोरल को बूस्ट करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है. एंड इन केस अगर डिसिप्लिन नहीं है, आपके वहाँ पे इनडिसिप्लिन है, तो इससे क्या होगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में केओस, कन्फ्यूजन और करप्शन एंड डिसओबीडियंस जैसी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी. जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो काफ़ी कन्फ्यूज रहेंगे, इरिटेटेड रहेंगे, करप्शन बहुत ज़्यादा होगा एंड डिसओबीडियंस होगी, वो आपको ओबे नहीं कर रहे होंगे या फिर कोई भी एम्प्लॉय किसी अपने सुपीरियर्स को ओबे नहीं कर रहा होगा, ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी. ये केसेस बहुत ज़्यादा नॉर्मल होंगे अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन इनडिसिप्लिन होगी. नेक्स्ट कम्स डिसिप्लिन इम्प्लाई करता है, डिसिप्लिन के बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं क्या क्या, ओबीडियंस, ऑर्डरलीनेस एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर सबॉर्डिनेशन अमंग एम्प्लॉयज़. डिसिप्लिन के ये मेन फैक्टर्स हैं कि आपके जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं वो अपने सुपीरियर्स को ओबे करें, ठीक है, ऑर्डरली आपके फंक्शंस ऑर्गेनाइज हो एंड प्रॉपर सबॉर्डिनेशन हो, प्रॉपर हायरार्की मेंटेन हो एंड उसको फॉलोअप भी किया जाता हो, ठीक है. इसी के अलावा वर्क रिकॉग्निशन, फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, एप्रोप्रिएट सैलरी स्ट्रक्चर, इफेक्टिव ग्रीवियंस हैंडलिंग एंड जॉब सिक्योरिटी ऑल कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन. ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन को मेंटेन करने में कंट्रीब्यूट करते हैं. क्या क्या फैक्टर्स है? वर्क रिकॉग्निशन, आपके वर्कर्स अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आप उनको रिकॉग्निशन प्रोवाइड कीजिए, उनको रिवॉर्ड्स दीजिए, ठीक है. फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए सारे एम्प्लॉयज़ का, आप जेंडर के बेसिस पे या उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे या फिर उनके रिलीजन के बेसिस पे उनमें डिफ्रेंशिएट ना करें, ठीक है. जो सैलरी स्ट्रक्चर आप लोग देते हो वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, किसी के बहुत कम एंड किसी लेवल पे बहुत ज़्यादा, ये इन अप्रोप्रिएटनेस आपको नहीं दिखानी है, ठीक है. जो भी ग्रीवियंस हैंडलिंग है, जो भी डिससेटिस्फैक्शन है एम्प्लॉयज़ के, उनको आप कितने इफेक्टिव वे में हैंडल कर रहे हैं एंड जॉब सिक्योरिटी, आपके एम्प्लॉयज़ की जॉब कितनी सिक्योर है, ये सारी चीज़ें आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन करने में हेल्प करती हैं. नाउ कॉजेज ऑफ इनडिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशन, आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर इनडिसिप्लिन है तो उसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं. फर्स्ट वन इज इनइफेक्टिव लीडरशिप, आपके जो भी लीडर्स हैं, सुपीरियर्स हैं, वो अगर अपने जो भी कोवर्कर्स हैं या फिर जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, उनको बेटर वे में उनको अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उनको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोल कैन बी अ रॉन्ग वर्ड है, ठीक है, उनको अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उनको अच्छे से लीड नहीं कर पा रहे हैं एंड उनको
कोऑर्डिनेट एंड मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं, इस केस में भी इनडिसिप्लिन हो सकता है। सेकेंड कम्स अगर उनको लो वेजेस अवेलेबल करा रहे हों एंड वर्किंग कंडीशंस भी अच्छी ना हो तो भी वो डिससेटिस्फाइड रहेंगे, ठीक है, एंड आपके जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करेंगे। थर्ड कम्स कि आपके जो भी प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर वो कुछ लोगों तक ही लिमिटेड है, ठीक है, एंड सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तब भी इनडिसिप्लिन आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है। इसके अलावा कोड ऑफ कंडक्ट की एब्सेंस की वजह से ये हो सकता है। नेक्स्ट कम्स कि आप लोग टाइमली रिड्रेसल नहीं कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ के ग्रीवियंसेस का, जो भी उनके डिससेटिस्फैक्शन है आपको उनको टाइम टू टाइम उनको सॉल्व आउट करना है सो दैट वर्कर्स अपने काम पे दोबारा से ध्यान दे सके। अगर उनका टाइमली उनका रिड्रेसल नहीं हो रहा है तो मीन्स वो अभी भी ग्रीवियंसेस में ही हैं उलझे हुए, ठीक है, ये भी एक नेगेटिव फैक्टर है। नेक्स्ट कम्स अनफेयर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, आपका मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस अगर एम्प्लॉयज़ के साथ डिफरेंशिएट करती हैं, अनफेयर है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रिलीजन, कास्ट, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट काम डिफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम मीन्स हर एम्प्लॉय तक जो भी इंफॉर्मेशन पहुँचनी चाहिए वो ईजी एंड टाइम टू टाइम पहुँच जानी चाहिए। अगर उस सिस्टम में कहीं पर भी कोई लूप होल्स हैं तो आपको उनको भी करेक्ट करना चाहिए, ठीक है। वर्कर्स की एजुकेशन में जो भी कमी है आपको उसको भी पूरा करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड एजुकेशन प्रोग्राम्स का उनको पार्ट बनने के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करानी चाहिए, ठीक है। अनइंटरेस्टिंग वर्क, अगर वो अपने काम से बोर हो चुके हैं, ठीक है, इस केस में आप लोग जॉब रोटेशन वाले कुछ मेथड्स हैं जिनको आप लोग इम्प्लाई कर सकते हैं। ड्रंकननेस एंड फैमिली प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से एंड कुछ ड्रिंक्स के इन्फ्लुएंस में आकर भी इनडिसिप्लिन हो सकता है कभी कभार, ठीक है। आउटसाइड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस, हमारी जो अभी हमने ट्रेड यूनियंस के बारे में पढ़ा, ट्रेड यूनियंस में जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है उसकी वजह से भी इनडिसिप्लिन क्रिएट कर सकते हैं वर्कर्स। एंड एक्सेसिव वर्क प्रेशर, अगर किसी एक एम्प्लॉय पे बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर हो तो उस केस में भी इनडिसिप्लिन होने के चांसेस रहते हैं। नाउ डिसिप्लिन प्रोसीजर इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, डिसिप्लिन को हैंडल करने का, अगर कोई इनडिसिप्लिन है या फिर किसी ने कुछ मिसकंडक्ट कर दिया है तो आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं, उसके लिए क्या प्रोसीजर है इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंदर। फर्स्ट कम्स प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, सो सबसे पहले एक इंक्वायरी होती है, ठीक है, जिसमें आपको ये फाइंड आउट करना होता है कि मिसकंडक्ट एग्जिस्ट करता है, मींस कोई किसी एम्प्लॉय ने कुछ मिसकंडक्ट किया है, कुछ गलती करी है, कुछ इनडिसिप्लिन एक्टिविटी करी है। सेकेंड कम्स इशू ऑफ अ चार्ज शीट, आप लोग एक चार्ज शीट इशू करते हैं उस एम्प्लॉय के नेम पे जिसने कि वो इनडिसिप्लिन या फिर मिसकंडक्ट किया है। इस चार्ज शीट में आप एक नोटिस जारी करते हैं जिसमें आप लोगों ने चार्ज लिखा होता है कि किस एम्प्लॉय ने क्या गलती करी है, चार्ज क्या लगे हैं उस पे, ठीक है, एंड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉय को कि वो अपने किस जो भी उसने गलत काम किया है उसको एक्सप्लेन करे कि वो क्यों गलत काम किया या फिर मीन्स उसके पीछे का रीज़न क्या था। देयरफॉर चार्ज शीट को आप क्या शो कॉज नोटिस भी बोल सकते हैं कि आप कारण बताइए कि आपने ये काम क्यों किया, ठीक है। थर्ड कम्स सस्पेंशन पेंडिंग इंक्वायरी, तो आप लोग चार्जेस को देखते हुए अपने एम्प्लॉय को सस्पेंड करते हैं, ठीक है। इसके साथ ही उसको जो चार्ज शीट हमने बनाई है जिसमें उसका चार्ज लिखा है एंड शो कॉज नोटिस जो है वो आप लोग उसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमारा एक जो रूल है, लॉ है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946, ये यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी वर्कर जिसको भी आप सस्पेंड कर रहे हो आप उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस, जो जो उसकी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके ऐसा अलाउंस प्रोवाइड कराते हैं, इक्वल टू 1/2 ऑफ हिज वेजेस फॉर द फर्स्ट 90 days ऑफ सस्पेंशन। तो पहले 90 days ऑफ सस्पेंशन में आप उसको 1/2, एक आधा हिस्सा उसके वेजेस का प्रोवाइड कराते हैं फर्स्ट 90 days के लिए, ठीक है। एंड अगर अभी भी आपके डिसीजन मेकिंग में कोई डिले हो रहा है आपकी साइड से, जो कि ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपकी साइड से अभी भी जो डिसीजन आने वाला है उसमें अभी भी डिले हो रहा है और वर्कर को फिर भी 90 days के बाद भी सस्पेंड ही रहना है, इस केस में आप उसको 3/4 ऑफ हिज वेजेस प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। पहले 90 days में आप हाफ ऑफ द वेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, 1/2, एंड 90 days के बाद भी अगर आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो उसके बाद आपको 3/4 ऑफ द वेजेस प्रोवाइड कराने होते हैं। फोर्थ कम्स नोटिस ऑफ इंक्वायरी, तो अगर किसी केस में अगर वर्कर एडमिट कर लेता है अपने चार्जेस को अपने चार्जशीट के रिप्लाई में,
ठीक है, तो बिना आगे किसी भी क्वालिफिकेशन के एम्प्लॉयर उसको पनिशमेंट दे सकता है, ठीक है, विदाउट फर्दर इंक्वायरी, आगे कोई भी इंक्वायरी नहीं होती है, वो अपने चार्जेस एडमिट कर रहा है तो आप उसको पनिशमेंट अवॉर्ड कर देते हैं। लेकिन अगर वर्कर जो है वो एडमिट नहीं कर रहा है अपने चार्जेस एंड उसके लिए कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं दे रहा है वो, ठीक है, इस केस में एम्प्लॉयर के पास राइट है कि वो एक इंक्वायरी बिठाए, ठीक है, जिसमें वो जो भी चार्जेस उसने लगाए हैं उसको इन्वेस्टिगेट करे। इसके लिए उसे एक प्रॉपर एंड सफिशिएंट एडवांस नोटिस प्रोवाइड करना होता है एम्प्लॉई को, जिसमें वो डेट, टाइम और वेन्यू, कौन सी प्लेस पे इंक्वायरी होने वाली है, ये सारी डिटेल्स जो भी वर्कर है या एम्प्लॉई है उसको प्रोवाइड करता है। फिफ्थ इज कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी। तो कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी में क्या होता है कि आप एक ऑफिसर को हायर करते हैं जो कि इम्पार्शियल होता है, पार्शियल नहीं होगा, जो किसी भी एक पार्टी को बिलोंग नहीं करता होगा एंड रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये ऑफिसर क्या करता है कि जो भी प्रोसेस है, जो भी इंक्वायरी है उसको कंडक्ट करता है प्रॉपर मैनर में, एंड जो भी विटनेसेस होते हैं, जो जिन्होंने उसको मिसकंडक्ट करते हुए देखा होता है, गवाह होते हैं जो, उनको एग्जामिन करता है, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है कि आप लोग एक फेयर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं वर्कर को भी, कि वो भी जो भी मैनेजमेंट के विटनेस हैं, जो भी हमारे एम्प्लॉयर है उसके जो भी विटनेसेस हैं जिनको, जिनके बेसिस पे उस पर चार्जेस लगे हैं, ठीक है, तो वर्कर के पास भी राइट है कि उनको क्रॉस एग्जामिन कर सकता है। सिक्स्थ इज रिकॉर्डिंग द फाइंडिंग्स। तो यहाँ पे इंक्वायरी ऑफिसर क्या करता है, जो भी फाइंडिंग्स होती हैं उसकी, उनको रिकॉर्ड करता है एंड उनका पीछे का जो भी रीज़न होता है उनको भी रिकॉर्ड करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आपका ऑफिसर है, इंक्वायरी ऑफिसर, वो कोई भी पनिशमेंट रिकमेंड नहीं करता है, ठीक है, वो अपनी फाइंडिंग्स प्रोवाइड कराता है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को एंड ये अथॉरिटी डिसीजन मेकिंग करती है। सेवेंथ इज अवॉर्डिंग पनिशमेंट। सो यहाँ पे मैनेजमेंट जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो डिसाइड करता है कि पनिशमेंट क्या होना चाहिए एंड ये बेस्ड होता है फाइंडिंग्स ऑफ द इंक्वायरी पे, कि आपने क्या क्या फाइंड किया इंक्वायरी में, वर्कर का पास्ट रिकॉर्ड कैसा रहा है एंड उसने जो मिसकंडक्ट किया है, जो भी उसने घटना करी है या जो भी उसने काम किया है वो कितना गलत रहा, ठीक है, इन चीज़ों के बेसिस पे आप पनिशमेंट डिसाइड करते हैं। लास्ट स्टेप इज़ कम्युनिकेटिंग पनिशमेंट। तो जो भी वर्कर है जिसको आपने पनिशमेंट अवॉर्ड करी हुई है उसको आप लोग रिटर्न फॉर्म में कम्युनिकेट करते हैं कि क्या पनिशमेंट डिसाइड हुई है उसको, एंड वो भी अर्लीस्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी में, ठीक है, कोई भी लेट किए बिना। एंड जो भी लेटर ऑफ कम्युनिकेशन है उसमें आप रेफ़र करते हैं चार्जशीट को, जो इंक्वायरी आपने करी है उसको, एंड जो भी फाइंडिंग्स आपके पास है आप उन सारी चीज़ों को रेफ़र करते हैं। इसके अलावा जिस डेट से ये पनिशमेंट इफेक्ट में आएगी वो भी मेंशन की जाती है। नेक्स्ट कम्स एसेंशियल्स ऑफ अ गुड डिसिप्लिनरी सिस्टम। तो एक गुड डिसिप्लिनरी सिस्टम में कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हॉट स्टोव रूल, जो कि हमें दिया था मैकग्रॉगर ने। तो डिसिप्लिन इम्पोज किया जाता है विदाउट जनरेटिंग रिजेंटमेंट। डिसिप्लिन को आप इम्पोज करते हैं विदाउट हैविंग एनी इल फीलिंग्स या फिर किसी भी डिसऑनेस्टी या फिर बिना किसी गलत फीलिंग्स के साथ आप डिसिप्लिन को इम्पोज करते हैं, ठीक है। तो मैकग्रॉगर ने यहाँ पे रेड हॉट स्टोव रूल दिया था, जिसमें उसने कुछ साउंड एंड इफेक्टिव डिसिप्लिनरी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया था। यहाँ पे हम फोर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन इज़ इमीडिएट। तो जैसे कि एक रेड हॉट स्टोव होता है तो उसमें जैसे ही आप उसको टच करते हैं तो बर्न इमीडिएट होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे भी ऐसा ही करना है कि आपका जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए वो भी इमीडिएट होना चाहिए। जैसे ही रूल्स तोड़े जाते हैं वैसे ही आपको कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, ठीक है, कोई ना कोई पेनल्टी आपको पुट करनी चाहिए जो भी एक्यूज्ड एम्प्लॉय है उस पर। सेकेंड कम्स कंसिस्टेंट। जैसे कि रेड हॉट स्टोव सबको, जितने भी लोग उसको टच करें उनको सेम मैनर में बंद करेगा, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए कि आपका जो भी डिसिप्लिनरी सिस्टम होना चाहिए उसके जो भी रूल्स या फिर जो भी आपके पेनल्टीज़ हैं वो सबके लिए सेम होने चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए। थर्ड कम्स इम्पर्सनल। जैसे कि पर्सन जो बर्न हुआ है वो रेड हॉट स्टोव को टच करता है, ठीक है, कोई पर्सनल फीलिंग्स की वजह से वो बर्न नहीं होता है, वो इसलिए बर्न होता है क्योंकि उसने उस रेड हॉट स्टोव को टच किया था, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी है कि कोई भी पर्सन है जिसके खिलाफ हम डिसिप्लिनरी एक्शन ले रहे हैं उसको हम लोग कुछ पर्सनल फीलिंग्स की वजह से नहीं ले रहे, ठीक है, इसके पीछे रीज़न क्या है कि उसने कुछ मिसकंडक्ट किया है या फिर उसने कुछ रूल्स तोड़े हैं। लास्ट थिंग इज़ प्रायर वार्निंग एंड नोटिस।
अगर कहीं पे कोई रेड हॉट स्टोव है तो उसके आगे से आप लोग क्या कुछ एक वार्निंग, प्रायर वार्निंग लिखते हैं, नोटिस लगा के रखते हैं कि आप लोगों को उसको टच नहीं करना है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कोई पर्सन उसको टच करता है तब जाके उसको बर्न होता है, जब वो उसको टच करता है, फाइन। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि अगर एक साउंड डिसिप्लिनरी सिस्टम में एडवांस वार्निंग एम्प्लॉयज़ को दी जाती है, उनको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि क्या क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, स्टैंडर्ड्स क्या हैं आपके बिहेवियर का, कैसा कोड ऑफ कंडक्ट आपका होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हमने, इमीडिएट होना चाहिए, ठीक है, जैसे ही आप टच करते हैं वैसे इमीडिएटली होना चाहिए, कंसिस्टेंट इक्वली बर्न करना चाहिए, ठीक है। थर्ड थिंग, इम्पर्सनल, कोई भी पर्सनल फीलिंग्स इन्वॉल्व नहीं है। एंड फोर्थ वन, प्रायर वार्निंग और नोटिस आपको प्रोवाइड किया जाना चाहिए। थैंक यू।